बबेरो तहसील क्षेत्र के ग्राम औगासी पर यमुना नदी की बाढ़ लगभग एक सप्ताह से निरंतर बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा जलस्तर घटा है। लोग बाढ़ का दृश्य देखने दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं पहुँचाई गयी है। बबेरू तहसील क्षेत्र के मारका थाना के औगासी गांव में यमुना नदी का उफान एक सप्ताह से बढ़ता चला आ रहा था, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया था। लोग अपने घर का सामान लेकर दूसरी सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। अब पानी कम होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी बाढ़ का डर बना हुआ है। कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधि औपचारिकता निभाते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने किसी बाढ़ पीड़ित से बात तक नहीं की, जिससे यमुना नदी के किनारे बसे लोग भारी आक्रोश में हैं। बाढ़ के बाद कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बाढ़ पीड़ितों का इलाज करने के लिए नहीं पहुंची। बाढ़ के डर से लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है, वहीं जनप्रतिनिधि व प्रशासन के लोग चैन की नींद सो रहे हैं। और ये एक हफ्ते से करीबन खतरे के निशान से यमुना नदी बाढ़ रही है, और इधर देखो घर वर सब डूब गए हैं, और ऐसे देखो सभी इधर बाद बीच बचाव करना पड़ता है देखो, और रात रात भर जगना पड़ता है, और ऐसे बहुत खतरे के निशान से बाढ़ रही है यमुना नदी। ये बाढ़ से कितना खतरा है आपको? इसमें तो बोले तो बहुत ज़्यादा खतरा आ गया है, घर में पानी घुस गया है, घर डूब रहे हैं। घर का सामान कहाँ पर रखें? घर का सामान इधर से उधर लेके जाना पड़ता है। बाहर स्कूल में रहना है। और अगर घर में पानी भरा हुआ है तो कहाँ सामान रखें, कहाँ रह रहे हैं? छत में है, कुछ सामान दूसरे के छत में पड़ा है, कुछ सामान इधर उधर लेके जाना पड़ा है। ये बाढ़ का दृश्य जो आप देख रहे हैं, कब से है ये बाढ़? ये एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते हो गए। यहाँ पर कोई अधिकारी आया होगा, देखा होगा? अधिकारी कल आए थे सर। हाँ, डीएम और एसडीएम भी आए थे, सीडीओ भी परसों परसों आए थे। हाँ, सब लोगों को सत्तावना दे के गए, परेशान नहीं है। हाँ, और काफ़ी आदमी जो उनसे विधायक भी आए थे, जो भी हम लोग कमान कमान जो लाए थे। हाँ, ये बताइए जो किनारे किनारे लोगों की बस्ती बनी है, तो उनको क्या खतरा है? नुकसान तो इनका है ही, इतना है। हाँ, उससे आगे क्या, बाढ़ अगर ज़्यादा होती तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता। मैं हम बबेरू तहसील क्षेत्र के औगासी गांव के यमुना नदी पर हैं। यहां पर लगभग एक हफ्ते से बराबर बाढ़ चली आ रही है। हम यहां पर इसलिए आए हैं, यहां पर लोगों के घर डूब रहे हैं। यहाँ पर न कोई शासन प्रशासन आया, सिर्फ कल एक औपचारिकता के तौर पर के प्रशासन आया है। यहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। हम अपने बगल में देखेंगे कि कितना जो है बाढ़ का दृश्य है। यहाँ पर लोग इतनी बड़ी मुसीबत पे हैं कि बाढ़ अपना पूरा रूप धारण किए हुए हैं, मगर कल से हल्की बाढ़ कम हुई है। ये बाढ़ का पानी यमपी से छोड़ा गया है, जिसमें यह उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बाढ़ का दृश्य आया है। इस समय हम औगासी के यमुना नदी पर हैं। यहाँ पर एक दृश्य दिखाएंगे, और यहाँ पर एक बहुत पुराना किला है। अगर इस किले के ऊपर पानी पहुँचता है तो बहुत तबाही हो सकती है। न्यूज़ बीके के लिए बांदा से जितेंद्र श्रीवास्तव।